मित्रों, ई दृष्टि करंट अफेयर्स रिमाइंडर मैगजीन का ये हमारा तीसरा वीडियो है। बाकी के दो वीडियो आप यूट्यूब पर जीएस गंगा सर्च करके आप देख सकते हैं, वहां पर प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से देख सकते हैं। जूनियर आर ओ जैसी तमाम परीक्षाओं को ध्यान में रख करके वीडियो तैयार किया जा रहा है। आइए इस वीडियो का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, अक्टूबर 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुंबई के हीरा नंदानी समूह के द्वारा कहां पर बनने वाले प्रदेश के पहले डेटा सेंटर को मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मुंबई के हीरा नंदानी समूह के माध्यम से पहला डेटा सेंटर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थापित किए जाने की घोषणा अक्टूबर 2020 में की गई है। किस कंपनी के द्वारा ये डेटा सेंटर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा हीरा नंदानी समूह के द्वारा। नेक्स्ट है, 16 अक्टूबर 2020 को भारत की कितनी झीलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है, या कितनी झीलों को रामसर साइट घोषित किया गया है? तो 16 अक्टूबर 2020 को दो झीलें रही हैं, और उन दो झीलों के नाम देख लेते हैं। तो पहली है काबरताल झील, जो कि बिहार में है, जिसको कांवर झील भी बोलते हैं, और बिहार के बेगूसराय में ये है। और दूसरा है आसन कंजर्वेशन रिजर्व, उत्तराखंड में है। तो ये दोनों झीलें हैं, दो झीलें जो कि रामसर साइट में घोषित की गई हैं, रामसर साइट में शामिल की गई हैं। इसके अलावा और भी झीलें हैं, जैसे 15 नवंबर 2020 को सूर सरोवर, जो कि आगरा उत्तर प्रदेश में है, तथा लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में है, इसे भारत सरकार द्वारा रामसर साइट नामित किया गया। अब यहाँ पर देखिए, सवाल इस तरीके से भी पूछा जा सकता है मिलान करने के लिए कि कांवर झील या कांवरताल झील कहाँ पे है। तो इसका मिलान करने के लिए हो जाएगा बिहार। इसी प्रकार से आसन कंजर्वेशन रिजर्व का मिलान उत्तराखंड से हो जाएगा, सूर सरोवर का उत्तर प्रदेश से हो जाएगा, और लोनार झील का महाराष्ट्र से हो जाएगा। इसके अलावा 24 दिसंबर 2020 को केंद्र सरकार ने लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र के दक्षिण में स्थित तशोकर रामसर स्थल के रूप में शामिल किया है, यानी कि तशोकर झील को भी रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है। देश में इसके साथ में कुल रामसर साइट की संख्या अब 42 हो गई है, 42 हो गई है। नेक्स्ट है, 19 अक्टूबर 2020 को नीति आयोग ने किसके साथ फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की घोषणा की है? तो नीति आयोग ने अमेजन वेब सर्विसेज के साथ मिल करके फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर बनाने की घोषणा की है नीति आयोग के द्वारा। अगला है, अक्टूबर 2020 में किस राज्य में कटी बिहू पर्व मनाया गया? तो कटी बिहू पर्व मनाया गया असम में। अक्टूबर 2020 में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की? तो इसका उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक स्कोर कार्ड 2020-21 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है हरियाणा को। एक दूसरी तरीके से यहाँ से सवाल जो बन सकता है वो ये बन सकता है कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो उसका उत्तर हो जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। और यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश 22वें स्थान पर रहा है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में, और इसका स्कोर 0.2 रहा है। अगला है, 9 अक्टूबर 2020 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में कौन सा राज्य प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध करवाकर देश का पहला हर घर जल राज्य बना? तो हर घर जल राज्य बनने वाला पहला राज्य है गोवा। अगला है, 7 अक्टूबर 2020 को फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुकेश अंबानी। और दूसरे स्थान पे अगर कौन है पूछा जाए तो दूसरे स्थान पे गौतम अडानी है, और वहीं पर तीसरे स्थान पर शिव नडार हैं, जिनकी संपत्ति यहाँ पर लिखी हुई है $25.2 बिलियन, जैसे गौतम अडानी की है, और $20.4 बिलियन शिव नडार की है, और मुकेश अंबानी की $88.7 बिलियन संपत्ति है। तो फोर्ब्स के द्वारा भारत की, यहाँ पर ध्यान रखना है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नहीं है, ये भारत की है, लिखा हुआ है कि फोर्ब्स द्वारा जारी भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में, यानी कि भारत में 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची जारी की गई है, जिसमें मुकेश अंबानी को पहला स्थान और उसके बाद में गौतम अडानी को दूसरा स्थान तथा तीसरा स्थान शिव नडार को मिला हुआ है। अगला है, 20 अक्टूबर 2020 को कहाँ पर देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास किया गया?
इसका उत्तर हो जाएगा असम, और असम में एग्जैक्ट पूछा जाए कहाँ पे, तो असम के जोगीघोपा में 20 अक्टूबर 2020 को देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास किया गया। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को भारतमाला परियोजना के तहत 693.97 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। तो अगर सवाल पूछा जाता है कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पे कितने रुपए का जो है वो निवेश होगा, तो 693.97 करोड़ रुपए का की लागत होगी और जिसको भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है 29 सितंबर 2020 को जारी IIFL वेल्थ हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी को। नेक्स्ट है 26 से 28 सितंबर 2020 के मध्य भारत जापान समुद्रिक अभ्यास जिमेक्स 2020 के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया, तो जिमेक्स 2020 के चौथे संस्करण का आयोजन जो है ये उत्तरी अरब सागर में किया गया है। अगला है 15 अक्टूबर 2020 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ नामक प्रदूषण रोधी अभियान चलाया गया, तो रेड लाइट गाड़ी ऑन ऑफ नामक प्रदूषण रोधी अभियान जो है दिल्ली में चलाया गया है और इस अभियान का क्या नाम है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। अगला है 14 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र में सुधार हेतु विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त स्टार्स का पूरा नाम है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रूल्स एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स परियोजना को मंजूरी दी, उसका उत्तर हो जाएगा स्कूली शिक्षा, यानी कि स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्व बैंक की सहायता से एक स्टार्स नामक परियोजना का शुभारंभ किया है, यानी कि स्टार्स नामक परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। इस परियोजना की लागत राशि कितनी है, तो इसकी लागत राशि 5,718 करोड़ रुपए है। अगला है 25 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार ने फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत कितने नए इलेक्ट्रिक बस और चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 670 नई इलेक्ट्रिक बस, वहीं 241 चार्जिंग स्टेशन। फेम इंडिया के दूसरे चरण के तहत महाराष्ट्र गोवा गुजरात एवं चंडीगढ़ राज्यों में 670 इलेक्ट्रिक बसें और मध्य प्रदेश तमिलनाडु केरल गुजरात एवं पोर्ट ब्लेयर में 241 चार्जिंग स्टेशन को मंजूरी प्रदान की गई है, यानी कि फेम इंडिया के तहत जो ये इलेक्ट्रॉनिक बस और चार्जिंग स्टेशन को मंजूरी प्रदान की गई है, तो ये किन किन राज्यों में इलेक्ट्रिक बस की मंजूरी प्रदान की गई है, तो उसमें महाराष्ट्र गोवा गुजरात चंडीगढ़ समेत जो है राज्य है जिसमें 670 नई इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया गया है, वहीं मध्य प्रदेश तमिलनाडु केरल गुजरात और पोर्ट ब्लेयर ऐसे राज्य हैं जहां पर 241 चार्जिंग स्टेशनों का शुभारंभ किया गया है। यहां पर ध्यान रखना है कि एक पोर्ट ब्लेयर भी इसमें शामिल है। और नेक्स्ट है कि 24 सितंबर 2020 को किस मंत्रालय ने आम लोगों के लिए केंद्रीकृत कृषि मशीनरी निष्पादन परीक्षण पोर्टल लॉन्च किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। अगला 21 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई, तो इसका उत्तर होगा बिहार। और नेक्स्ट है 11 सितंबर 2020 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 के दूसरे संस्करण को जारी किया। इस रैंकिंग में यानी कि राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 इस रैंकिंग में कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा, तो राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में गुजरात सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा। और अगर टॉप परफार्मर राज्य की बात किया जाए तो टॉप परफार्मर राज्यों में कर्नाटक और केरल शामिल है। उभरते हुए स्टार्टअप पारितंत्र श्रेणी में आंध्र प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश भी इस श्रेणी में शामिल किया गया है, यानी कि उभरते हुए स्टार्टअप में आंध्र प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और वहीं यूपी भी इसमें शामिल है।